हेलो माय डार्लिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ पूजा बी चौधरी और आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने आप सब के लिए कैप्चर किया है दुर्गा पूजा के 3 डेज सेलिब्रेशन मोमेंट्स, वो पल जो हमारे लिए खास था, स्पेशल था। आप सबको आज उसका थोड़ा सा झलक मिलेगा। दुर्गा पूजा का सबसे पहला दिन है महासप्तमी का, जिस दिन देवी की पूजा शुरू किया जाता है। महासप्तमी की रात को हमने रखा हुआ था दिल्ली के एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर दुर्गा पंडाल के लिए। सफदरजंग इनक्लेव मातृ मंदिर हर साल बहुत ही स्पेशल तरीके से माँ दुर्गा के लिए सज उठता है। यहाँ का पंडाल हर साल किसी न किसी थीम पे बेस्ड होता है। इस साल मातृ मंदिर का पंडाल ने हमें पहुँचा दिया डिज्नीलैंड। पूरा पंडाल अंदर और बाहर डिज्नीलैंड थीम से कंस्ट्रक्ट किया हुआ था और आप देख ही रहे हैं कैसे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है पंडाल में। पंडाल का थीम चाहे कुछ भी हो, माँ दुर्गा यहाँ हमेशा ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रूप में ही आती हैं। इस साल हमें देखने को मिला एक चाला ठाकुर डाके साज में। ये जो माँ दुर्गा को व्हाइट कलर के ऑर्नामेंट से सजाया जाता है, इसे ही कहते हैं डाके साज। दुर्गा पूजा करने का ट्रेडिशन जब शुरू हुआ था तब माँ को इसी रूप और इसी डाके साज में सजाया जाता था। उस वक्त हमारे देश को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था और ये जो ऑर्नामेंट्स है वो स्पेशल कागज से बनता है जो उस वक्त ब्रिटेन में ही मिलता था और वहीं से पेपर ऑर्डर किया जाता था। ऑर्डर किया हुआ पेपर बाय पोस्ट मतलब डाक द्वारा डिलीवर होता था, फिर उस पेपर को काट कर ऐसे डिजाइंस बनाया जाता था। इसीलिए माँ के इस श्रृंगार को डाके साज बोलने का ट्रेडिशन बन गया है। देश को इंडिपेंडेंस मिला, सारे रिसोर्सेस भी अवेलेबल होने लगे। अब ये जो स्पेशल पेपर है यहाँ इजीली अवेलेबल है और बाय पोस्ट डिलीवर भी नहीं होता है, फिर भी ये श्रृंगार आज भी डाके साज है। और सच पूछो तो इस श्रृंगार में माँ दुर्गा सबको अच्छी लगती है। शायद ब्यूटीफुल एंड यूनिक पंडाल और माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ साथ मातृ मंदिर के और दो अट्रैक्शन हैं। उसमें से एक है कल्चरल इवेंट। हर साल दुर्गा पूजा के दौरान रात को कुछ न कुछ स्पेशल कल्चरल इवेंट होता है। आज के दिन एक बहुत ही पॉपुलर बांग्ला बैंड का कॉन्सर्ट था, उसी की कुछ झलक आप सबके लिए कैप्चर किया है। बंगालीज के लिए कोई भी सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट है बिना नाच गाना बजाना एंड गुड फूड के। इस तरह के कल्चरल इवेंट्स की तरफ हम नेचुरली खींचे चले आते हैं। मातृ मंदिर का जो लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है वो है फूड। दुर्गा पूजा के दिनों में हर शाम यहाँ अमेजिंग फूड स्टॉल लगते हैं।
आई नो नॉर्दर्न इंडिया में नवरात्रि के टाइम व्रत में जाता है और नॉन वेज को लोग देखते तक नहीं है। आप लोगों के भावना को ठेस या चोट पहुंचाने का इंटेंशन नहीं है बिल्कुल भी ये फूड फेस्ट दिखाकर। इट्स जस्ट दैट बंगाली ट्रेडिशन में नवरात्रि दुर्गा पूजा में ऐसे कोई व्रत पालन का रिचुअल नहीं है सिवाय अष्टमी के। दुर्गा पूजा के दिनों में नॉनवेज खाना या खिलाना इज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन एंड आवर कल्चर। माँ दुर्गा के मंडप के अंदर प्योर वेज बनता है पर मेन पंडाल से अलग फूड सेक्शन में आपको ज्यादातर नॉनवेज खाना सेल होता हुआ मिलेगा। माँ के दर्शन, कॉन्सर्ट का आनंद और खाने का मजा लेते हुए खत्म हुआ हमारा महासप्तमी का दिन। महाअष्टमी की सुबह शुरू किया हमने माँ दुर्गा को पूजा चढ़ाकर और पुष्पांजलि देकर। माँ दुर्गा का मेन पूजा दिन के वक्त होता है जिसमें लोग जाकर पूजा चढ़ाते हैं। हम गए लोकल काली मंदिर जहाँ पे होता है भव्य दुर्गा पूजा। हम जब पहुँचे उस वक्त माँ को भोग लग चुका था और आरती चल रही थी। आरती के तुरंत बाद होता है पुष्पांजलि जहां पुरोहित मंत्र का जाप करवाते हुए हम सब से माँ को फूल अर्पण करवाते हैं। पुष्पांजलि देने तक हमने खाना नहीं खाया था। मंदिर में फल प्रसाद खाकर व्रत तोड़कर हम निकले घर की तरफ। अष्टमी के दिन सात्विक और प्योर वेजिटेरियन खाने का रिचुअल होता है। मैंने और मेरी मॉम ने मिलकर सुबह सुबह ही खाना बना लिया था। आज के दिन बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है। वापस आकर मेरी छोटी भाभी, मेरे छोटे भाई की वाइफ ने तला गरम गरम फूरिया और साथ में था चने की दाल, आलू गोभी और दम आलू और था साबूदाने की खीर। लंच के बाद मेरी भाभी वापस चली गई और हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर रेडी हुए शाम के पंडाल हॉपिंग के लिए। महाअष्टमी के लिए हमने रखा था फरीदाबाद की कुछ दुर्गा पंडाल की परिक्रमा। क्योंकि घर के आसपास ही घूमना था तो मैंने डाला थोड़ा सा हैवी साड़ी जिसे बहुत देर तक कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम गए घर के पास एक पूजा पंडाल में। ये रिलेटिवली न्यू दुर्गा पूजा है और इस दुर्गा पूजा को शुरू हुए
सिर्फ 3 साल ही हुआ है अभी, पर इन 3 सालों में इस पूजा का ग्रैंडियर काफी बढ़ गया है। किसी भी दुर्गा पूजा को ऑर्गेनाइज करने में पैसों के साथ साथ जो लोग पूजा को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी भी दुर्गा पूजा के सक्सेस के पीछे महीनों की प्लानिंग, हार्डवर्क और 100% डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इस बिल्कुल नए दुर्गा पूजा को इस साल इतने बड़े लेवल पे होते हुए देखकर समझ में आ जाता है कि सारे मेंबर्स ने कितनी मेहनत की होगी। टू बी ऑनेस्ट, वो दिन दूर नहीं है जब ये पूजा हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पूजा बन जाएगा। इस पंडाल पे भी कल्चरल इवेंट के साथ साथ तरह तरह के स्टॉल के अट्रैक्शन भी थे। फूड स्टॉल के साथ साथ कपड़े एक्सेसरीज के भी स्टॉल लगे हुए थे। इन्हीं स्टॉल में से हमने एक सूट का फैब्रिक परचेज भी किया और थोड़ा सा चुटर पुटर खाकर निकल पड़े दूसरे दुर्गा पंडाल के लिए। यहाँ से निकलकर हम आए हमारे सिटी के सबसे पुराने दुर्गा पूजा पे। इस जगह का नाम ही है दुर्गा बाड़ी, मतलब माँ दुर्गा का घर। इस वक्त बज रहे थे रात के 10:30 पर। यहाँ की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था अभी बस शाम ही हुई है। हम जब पहुँचे तब कल्चरल इवेंट चल रहा था। माँ दुर्गा के दर्शन करके थोड़ी देर फंक्शन देख कर हम निकल पड़े डिनर के लिए। डिनर के लिए हम जहाँ आए थे वहाँ पे बिना प्याज लहसुन के खाने का ऑप्शन था, तो हम सब ने डिफरेंट आइटम्स मंगा कर मिलजुल कर खा कर इस महाअष्टमी के दिन को ख़त्म किया। दुर्गा पूजा के आखिरी रात को फुली सेलिब्रेट करने के लिए हम निकल पड़े गुड़गांव के दुर्गा पंडाल परिक्रमा पे। सबसे पहले हम जिस दुर्गा पंडाल पे पहुंचे उसका स्केल और ग्रैंडियर देखकर हम दंग रह गए। इट वॉज दुर्गा पूजा ऑफ ह्यूज स्केल। जैसी भव्य और सुंदर माँ की मूर्ति उतना ही गजब का भीड़। ऐसा लग रहा था कि पूरा गुड़गांव उठ कर आ गया है यहाँ पर। बहुत कोशिश करने के बावजूद माँ के दर्शन सामने से नहीं कर पाए हम यहाँ। इतनी भीड़ थी कि दूर से दर्शन करके ही खुश होना पड़ा। वीडियो शूट करना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि आते जाते लोगों से इतने धक्के पड़ रहे थे कि कैमरा स्टेडी रख ही नहीं पा रही थी। माँ के मंडप से भी ज़्यादा भीड़ थे फूड स्टॉल पे। पूजा प्रांगण के आधे एरिया पे फूड स्टॉल थे और हर तरह की क्विजीन अवेलेबल था। सबसे पहले हम गए बंगाली स्वीट स्टॉल पे जहाँ पे मिठाई खरीदने के लिए लोग टूटे पड़े थे। यहाँ पर वेजिटेरियन फूड ऑप्शन अमेजिंग था। मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव ने मेरा दिल ले लिया। गोलगप्पे के स्टॉल से हिलने का मन ही नहीं था। दिस दुर्गा पंडाल लेफ्ट मार्क ऑन अस। अगले साल यहाँ दोबारा आना ही आना है फिर से। नेक्स्ट पंडाल था इस साल का लास्ट पंडाल दर्शन। यहाँ आकर माँ दुर्गा को यही बोला मैंने कि पूरा साल सबको अच्छे से रखना, स्वस्थ रखना और अगले साल जल्दी से आना माँ, ताकि ये पल दोबारा से जीने को मिले।
नवरात्रि की ये आखिरी रात माँ दुर्गा के साथ के भी आखिरी के कुछ पल होते हैं। कल है विजयदशमी और है माँ को विदा करने का मुहूर्त। माँ के विसर्जन के साथ फिर से दिन गिनना शुरू हो जाएगा अगले साल के लिए। आप सब अगर तब तक साथ रहे तो अगले साल दुर्गा पूजा को फिर से आप सब के साथ सेलिब्रेट करने को मिलेगा। तब तक माँ से यही प्रार्थना है कि आप सब के जीवन से वो सारे विघ्न मुश्किलें हटा दे, आपका जीवन कुशल मंगल से चले। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आर आमार बांगाली बंधुदेर जन्य रइल शुभ विजयार प्रीति ओ शुभेच्छा। आसछे बछर आबार हबे।